आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ जसमीत भाटिया जी मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है आज, पीटी से हाई सक्सेस रेट कैसे मिल रहा है। कई लोगों को लगता है कि पीटी से रिजल्ट नहीं आ रहे। जसमीत जी लगातार हमको रिजल्ट्स दिखाते हैं, पीटी पे वीज़ा आते हैं, फिर पीटी का वीज़ा सक्सेस रेट हाई कैसे हुआ, ये टेक्निकली आज आपको जसमीत जी समझाएंगे कि पीटी को क्यों अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। 56, 57, 58 इन सब पे लैंडमार्क इमिग्रेशन के रिजल्ट आए हैं और एक स्टूडेंट 57 पे उसने 10 अटेम्प्ट के बाद अपना पीटी क्लियर किया था और उसको भी कनाडा का वीज़ा लगा है। सो जसमीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू। जसमीत जी, पीटी का हाई वीज़ा सक्सेस रेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम मान सकते हैं कि पीटी का सक्सेस रेट हाई है या लो है, आप कैसे देखते हैं? सो आज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वाई लैंडमार्क हैज़ हाई वीज़ा सक्सेस रेट ऑन पीटी। सो इसके ऊपर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पीटी में कोई भी स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट के पास जाता है तो उसे कहा जाता है कि वी कैन नॉट अप्लाई इन अ गवर्नमेंट कॉलेज और आपको प्राइवेट कॉलेज में ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो लैंडमार्क मेक श्योर दैट योर फाइल इज़ लॉज्ड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट रीज़न तो ये हुआ कि पीटीई का हाई वीज़ा सक्सेस रेट चूजिंग द राइट कॉलेज। फिर देखो, आपको पता ही है कि हमारी टीम हमेशा ही राइट कोर्स देने में बिलीव करती है। सो वेन एवर अ स्टूडेंट कम्स टू अस, वी गाइड हिम अ राइट कोर्स कि आप ये कोर्स आपको सूटेबल रहेगा तो वो कोर्स में हम आपका अप्लाई करते हैं। थर्डली, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फॉर्म्स में, जब फॉर्म्स भरते हैं हम बच्चों से चेक कराते हैं, वी डोंट पुट अप एनी फेक डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। सो बहुत सारी चीज़ें, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके वीज़ा के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि बहुत कम बच्चे हैं जो पीटीई के साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग विद पीटीई टू गवर्नमेंट कॉलेजेस इज़ वेरी लेस। तो वो भी एक रीज़न है फॉर हाई वीज़ा सक्सेस रेट ऑन पीटीई वेयर एज़ फॉर लैंडमार्क कैंडिडेट्स। बिकॉज मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं पीटीई वाले, 99% वो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करके आते हैं, उनको रिफ्यूज़ल आई होती है ऑलरेडी। और फिर जब हम उनकी रीफाइलिंग करते हैं पीटीई पे गवर्नमेंट कॉलेज में या पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो उनका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई फील इफ़ यू हैव पीटीई अबव 55 देन देर आर मोर देन 30-40 कॉलेजेस विच आर अवेलेबल फॉर यू नो विद पीटीई वेयर दे आर एक्सेप्टिंग पीटीई एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सो यू कैन अप्लाई विद पीटीई टू अ पब्लिक कॉलेज एंड यू कैन गेट एन ऑफर लेटर इवन इन वन डे बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोजली वर्किंग विद सम कॉलेजेस। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज चूज करेंगे और आप एक सही ढंग से अपनी फाइल लगाएंगे तो पीटीई पे भी वीज़ा आ सकता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें जो भी आपके क्लोज पड़ता है, नहीं तो आप वीडियो कॉल के राय भी मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी काउंसलर से बात करना चाहते हैं, आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है आपके केस में, देन ऑल्सो वी कैन असेस एंड एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने पीटी के स्टूडेंट्स को दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए 9041390412@landmarkimmigration.com पे आप संपर्क बना सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो तुरंत आप फोन करें। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।